हेलो एवरीवन आज के लेक्चर में हम स्टोरिकल स्कूल ऑफ़ जरूरी स्टूडेंट्स में पुस्ता का कंट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे और प्रीवियस लेक्चर में जितना भी हमने भी डिस्कस किया है उसको ब्रीफ में रिवाइज करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हिस्टोरिकल स्कूल क्या डिस्कस करता है स्टोरिकल स्कूल किस चीज़ के बारे में मेन फोकस करता है जो हिस्टोरिकल स्कूल का जो मेन आस्पेक्ट है वो ये है कि लोका सोसाइटी के साथ रिलेशन है और जिनके सबसे पहले जो सबसे पहले मॉन्सटेग जो जूरिस्ट थे उन्होंने क्या कहा था उनका मानना यह था कि लॉ को सोसाइटी की बदलती नीड्स का ट्रैक या ख्याल रखना चाहिए सेकेंड जूरिस थे सेविग्नी उन्होंने वॉल वालेग थ्योरी दी थी जिसका मतलब जनरल विल ऑफ द पीपल सेविग्नी को हिस्टोरिकल स्कूल का फादर माना जाता है और उन्होंने कहा कि लॉ एक लैंग्वेज की तरह होता है जिसका खुद का एक अपना नेशनल कर, करेक्टर होता है और उन्होंने वॉक जिस थ्योरी दी थी डेट मीन्स जनरल विल ऑफ़ पीपल और उन्होंने ये कहा था किसी भी कंट्री के कस्टम कंडीशन और सिचुएशन वहाँ के लोगों का रिफ्लेक्शन होता है और लॉ जनरल लॉ लो लोगों की जनरल विल से बनता है अब थर्ड जूरिस्ट है सर हैंनरी मैन उन्होंने बताया कि ए, जो लो का डेवलपमेंट होता है वो चार स्टेजेस में होता है और फिर फर्दर उन्होंने सोसाइटी को आ, दो पार्ट्स में डिवाइड किया एक स्टैटिक और एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी स्टैटिक सोसाइटी में लो का डेवलपमेंट सिर्फ इन चार स्टेजेस के बाद नहीं होता है और प्रोग्रेसिव सोसाइटी में इन चार जो लो की चार स्टेजेस बताई थी फर्स्ट वाज डिवाइन सेकंड वाज कस्टमरी लॉ थर्ड वाज प्रीस्ट क्लास एंड फोर्थ वोज क्वालिफिकेशन लॉ इन चारों स्टेज के बाद जब लो का डवलपमेंट होता है तो उसको हम प्रोग्रेसिव सोसाइटी कहते हैं और इन चारों स्टेज के बाद कैसे किन किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू लोग का डेवलपमेंट होता है तो उन्होंने लीगल फंक्शन इक्विटी और लेजिस्लेशन को इंस्ट्रूमेंट बताया जिससे आफ्टर फोर्थ स्टेज लोग का डेवलपमेंट होता है अब लास्ट है जो कि है पूछता आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे पुश्ता वॉज द जर्मन जूरिस्ट ही वॉज डिसाइपल ऑफ सेविग्नी एंड अ ग्रेट जूरिस्ट ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ़ जूरिस्ट स्टूडेंट्स पुश्ता एक जर्मन जूरिस्ट थे और सेविग्नी के स्टूडेंट थे जॉर्ज फ्रिड फ्राइड फ्रेडरिच पुश्ताज आइडिया वर मोर लॉजिकल एंड इम्प्रूव दैन सेविग्नीज आइडिया जो पुश्ता के आइडियाज़ थे वो लॉजिकल थे He traced the development and evolution of law from the very beginning his idea mainly focused on the situation when conflict arises between general will and individual will in the conflict between general will and individual will the state came into existence and find out the midway to resolve the conflict the main concept of pushtas idea was that neither the people nor the state alone can formulate the laws बोथ स्टेट एंड इंडिविजुअल आर सोर्स ऑफ लॉज मतलब अकॉर्डिंग टू पुस्ता ना ही केवल सोसाइटी लॉ बना सकती है और ना ही केवल स्टेट लॉ बना सकता है देखिए एक सोसाइटी है उसमें बहुत सारे लोग हैं कभी कभी सोसाइटी की जनरल विल होती है और कभी कभी इंडिविजुअल का सेल्फ इंटरेस्ट होता है उन सिचुएसन में जहाँ जनरल विल और सेल्फ इंटरेस्ट क्लैश होते हैं मतलब इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है सिर्फ तभी स्टेट इंटरवीन करेगा ताकि वो उस पर पूरी पूरे सिस्टम को रेगुलेट कर सके मतलब स्टेट ऐसे सरकमस्टांसिस प्रोवाइड करता है ऐसे लॉज क्रिएट करता है जिसमें जनरल विल के साथ साथ सेल्फ़ इंटरेस्ट दोनों ही नरिश कर सके तो पुश्ता के द्वारा ये कहा गया कि ना ही तो सोसाइटी लॉ बनाती है और ना ही स्टेट लॉ बनाता है ये जो जब जनरल विल और इंडिविजुअल जो इंटरेस्ट होता है इनके बीच में जब क्लैश होता है तब स्टेट इंटरवीन करती है एंड तब वो लॉ बनाती है और दोनों के बीच में जो बैलेंस करती है तो दैट इज़ वॉट दैट इज़ दैट वॉज द कंसेप्ट गिवन बाय द पुश्ता दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू